हेलो हेलो दोस्तों, इस फ्रेश मेथी की पत्ती देखते ही हमें पराठे खाने का मन हो गया था। तो चलिए आज हम पराठे बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल, जिससे तेल हल्का सा गर्म हो जाता है। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना सौंफ और आधा टीस्पून जितना तिल। पराठा का स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना हींग। जैसे ही बगार आ जाता है और ये सारे सामग्री चटकने लग जाते हैं, जो भाजी को हमने वॉश करके रखा था उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले को डाल देंगे, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर। भाजी के साथ इन सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। भाजी कुछ इस तरह से अच्छे से पकने के बाद उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप जितना मल्टीग्रेन का आटा। अगर आपको इस मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ पे आप गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारे सामग्री को अच्छे से मिलाते हुए इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसका एक अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे। जो आटा हमने लगाया था उसमें से एक पेड़ा काट लेंगे और इसको ड्राई फ्लोर में डस्ट करते हुए इसका एक गोल पराठा बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके किनारे हल्के से खुले हैं। इसको एक कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए हल्के हाथों से, हाथों की मदद से इस तरह से शेप कर लेंगे। अच्छे से गोल आकार देने के बाद इस पराठे को गर्म किए हुए तवे पे डाल देंगे और इसको एक साइड से अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से बुलबुले आने के बाद पराठे को पलट लेंगे। पराठे के और एक साइड अच्छे से सिकने के बाद जो ऊपर का पोर्शन है, इसके ऊपर हम 1 टीस्पून जितना तेल डालेंगे और इस पराठे को फिर से पलटा लेंगे और इसको प्रेस करते हुए हल्के हाथों से सेक लेंगे। अगर आप इसको ज्यादा प्रेस करोगे तो एकदम चिटा बनेगा। अब हम इसके ऊपर के पोर्शन में 1 टीस्पून जितना तेल डालेंगे और फिर से पराठे को फ्लिप करते हुए सेक लेंगे। जब भी आप पराठे सेकते हो आपको ध्यान रखना है आपका फ्लेम हाई में रहना चाहिए, लो में नहीं रखेंगे। कई लोग मेथी को फ्राई नहीं करते, ऐसे ही पराठे बना लेते हैं। अगर आप मेथी को फ्राई करके फिर पराठा बनाओगे तो कभी भी आपका पराठा कड़वा नहीं बनेगा। ये देखिए दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म और लाजवाब पराठा बनके तैयार है। आप भी इस पराठे को बनाइए और मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपका पराठा कैसे बना। ये देखिए दोस्तों, हमारा पराठा कितना मुलायम बनके तैयार है। हमने स्टार्टिंग में भाजी तलने के लिए थोड़ा सी तेल डाला था, वही मोन इसमें काफी है। इस पराठे से आराम से सब एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके बच्चे ये खाने में बहुत ज्यादा टैंट्रम्स दिखाते हैं तो हमने किड्स स्पेशल मेथी पराठा पिज्जा बनाया है। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। टेक केयर एंड बाय।